कहते हैं साहब, जान है तो जहान है, लेकिन जब रोज रोज की परेशानी हो तो फिर जान की परवाह भी किनारे लग जाती है। अब देखिए ना, कैसे ये लोग अपनी जान को हथेली पर रख नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। प्लास्टिक ड्रम के द्वारा बनाई गई जुगाड़ की नाव से महिला, पुरुष, बच्चे सभी सुबह शाम इस सोमली नदी को पार करते हैं। क्या करें, कोई और चारा भी जो नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का दमदम गांव, आबादी तो लगभग 600 है, लेकिन घर से खेत तक जाने के रास्ते के बीच नदी का डेरा है। यदि काम पर जाना है तो फिर लगाओ जान की बाजी। आठ ड्रम का जुगाड़ बना रखा है और जान जोखिम में डाल के हम निकलते हैं इस पे से। हाँ। और कोई गिर जाए तो भी वो जान जोखिम में डाल के ही निकलना पड़ता है। छोटे बच्चे, लेडीज। हाँ। और पुरुष का तो कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे जैसे तैसे निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन लेडीज का ज्यादा खतरा है यहाँ पे। मांग की शासन से, प्रशासन से, कि एक अदद पुलिया की व्यवस्था हो जाए, लेकिन सुनवाई तो छोड़िए, जिम्मेदारों ने गंभीरता से सोचा भी नहीं। वहाँ मेरी जानकारी में आया था तो रोड तो है लेकिन वो थोड़ा घूम के है, और चूंकि जो ग्रामीण हैं उनका खेत सामने की तरफ है और बीच में बरसात के समय पानी भर जाता है तो वो इस तरीके से पार करते हैं। मैंने सीओ जिला पंचायत को बोला है कि इसमें अगर कार्य योजना किसी में है, स्वीकृत है, तो उसको जल्द कराएं, और नहीं है तो इसमें कोई स्वीकृत नहीं। सिर्फ एक पुलिया निर्माण से इन ग्रामीणों का जो रास्ता अभी 25 किलोमीटर तक तय करना होता है, सिमट कर 6 किलोमीटर तक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सभी ग्रामवासियों की जिंदगी भी सुरक्षित होगी। बहुत डर लगता है, हमको तैरना भी नहीं आता। इंसान तो छोड़िएगा, बेजुबान जानवरों को भी इसी जुगाड़ की नाव से अपनी मंजिल तय करनी होती है। यहाँ मानसून साहब लोगों के दिलों में एक डर के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। डिजिटल युग में उफ, ये हालात क्या कहा जाए। शायद यही कि ये जमीनी हकीकत ही सरकारों के कामकाज का प्रमाण पत्र है।